स्तर पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये फैसला सुनाने जा रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ये फैसला सुनाएगी। तो अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 के ऊपर महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। फैसले से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। एससी अनुच्छेद 370 पर यह फैसला आने वाला है। इस फैसले की वैधता को लेकर यह फैसला आएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ये फैसला सुनाने जा रही है। तो इस वक्त पूरे देश की नजरें इस फैसले के ऊपर, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीजेआई की अध्यक्षता में जिस बेंच का गठन किया गया, संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के ऊपर फैसला सुनाएगी। कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस समय, हर किसी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर। किसी भी समय ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ सकता है। ये वो जज जो बेंच फैसला सुनाने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 जिसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस देश में रही। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसे केंद्र सरकार ने हटा दिया था। इसी को लेकर मामला अदालत में गया और अदालत में सुप्रीम कोर्ट में अब इसे लेकर जो है आज फैसला आने वाला है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। 5 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो आर्टिकल 370 पर एससी में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ये फैसला सुनाने जा रही है। पूरे देश की निगाहें इस फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है आर्टिकल 370 को लेकर, बरकरार रहती है धारा 370 या फिर इस फैसले को लेकर कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाने वाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को संविधान पीठ ने 16 दिनों तक लगातार सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को रद्द करना संवैधानिक या अवैध, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली, और ये तस्वीरें, सुनवाई इस समय शुरू हो चुकी है। हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, वहीं अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर पूरी घाटी में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, खासकर सोशल मीडिया पर नजरें रखी जा रही है। इस बीच पूरी घाटी में सुरक्षा बलों के काफिलों की रवानगी पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम हलचल, तमाम अपडेट्स इस समय कश्मीर से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई हो चुकी है। ये तस्वीरें, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अंतिम सुनवाई, और इसके बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सामने आ सकता है। 5 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth,
Clauses A, B and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the Union Government on behalf of the State Government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the Union Executive on behalf of the State is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. वहीं बीजेपी को पूरा विश्वास है कि सरकार के फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और जम्मू कश्मीर के साथ न्याय होगा। प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इस प्रकार की सारी चीजें लाई और बहुत सी साजिशें थी इसके बीच में। इसकी प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इस प्रकार की सारी चीजें लाई और बहुत सी साजिशें थी इसके बीच में। इसकी आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है। कपिल सिब्बल ने लिखा, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज करना होगा। संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होती रहेगी। इतिहास ही अंतिम निर्णायक है। उधर अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के हित पे फैसला आने की उम्मीद जताई है और उनको इस दिन का इंतजार पिछले 4 साल से था। इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संविधान के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ
चार ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह जे एंड के आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे। अमित शाह आज दोपहर इससे जुड़े दो बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। ये दोनों बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। लोकसभा में इस बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर में 45,000 लोगों की मौत की जिम्मेदार अनुच्छेद 370 था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए हैं। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे। और हमने और ये बड़ी खबर दिल्ली से, संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बीजेपी सांसदों का यह प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी, धरने पर बैठे हैं बीजेपी सांसद। तो ये संसद परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी सांसद धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बीजेपी सांसदों का यह धरना, बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी। कांग्रेस सांसद के यहां 300 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलने पर बीजेपी का यह प्रदर्शन संसद परिसर में। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनत कश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए थे और तलाशी ली गई। छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है।
बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है। इस सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। किसी एक संस्था की छापेमारी में इतने नोट आज तक कभी बरामद नहीं हुए। नोट की मशीनें थक गई, आयकर विभाग के कर्मचारी नोट गिनते गिनते हाफ गए। कांग्रेस के करप्शन पर मोदी ने जो आरोप लगाए हैं वो आज देश के हर नागरिक के मोबाइल पर वायरल हो रहे हैं। 2024 के ठीक पहले लगे इस झटके से कांग्रेस पार्टी का उबर पाना आसान नहीं है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के कैंपस में नोटों की गिनती अभी भी जारी है, क्योंकि आयकर विभाग ने लगभग 40 बड़ी और छोटी नोट गिनने की मशीनें तैनात की हैं और अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। मशीनों की संख्या कम होने के कारण नोटों की गिनती सामान्य से धीमी गति से हो रही थी। धीरज साहू के आवास पर एक के बाद एक कैश के बैग खोले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का सांसद धीरज साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो ही बता सकते हैं और उन्हें बताना भी चाहिए कि आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी संपत्तियों से कितनी बड़ी मात्रा में नकदी का खुलासा किया है। धीरज साहू को जुलाई 2009 में कांग्रेस के राज्यसभा सीट के लिए टिकट मिला। वो कथित तौर पर बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की समूह कंपनी। राजधानी जयपुर से सुखदेव सिंह गोगा मिड़ी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। 7 दिनों के रिमांड पर शूटर नितिन फौजी, शूटर रोहित 5 दिसंबर को करीब 17 राउंड फायर किए गए थे। सुखदेव सिंह की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। 78 कारतूस जिगाना पिस्टल लेकर आए थे शूटर। नितिन के पास एक पिस्टल में 20 राउंड कारतूस, शूटर नितिन के पास दूसरे पिस्टल में 30 राउंड कारतूस। इसके अलावा नितिन के पास थी 15 राउंड अलग से मैगजीन। रोहित के पास थी एक पिस्टल में 13 राउंड कारतूस। सात दिनों के रिमांड पर सुखदेव सिंह की हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था उस पिस्टल का नाम है जिगाना। बताया जा रहा है कि 78 कारतूस थे उसके पास और दोनों पिस्टल में 50 राउंड कारतूस भरे गए थे और रोहित के पास एक पिस्टल में 13 राउंड कारतूस थे। और आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट से जिस फैसले की उम्मीद की जा रही थी उससे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, 370 अस्थाई प्रावधान था। इस वक्त पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। 5 जजों की बेंच ये फैसला सुनाने जा रही है कि आर्टिकल 370 वैध था या इसे हटाया जाना सही था, और इसी से जुड़ी यह खबर। विलय के बाद J&K अलग राज्य नहीं रहा, CJI का कहना है। केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। आर्टिकल 370 एक अस्थाई यानी कि टेम्पररी प्रावधान था और केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। विलय के बाद J&K अब अलग राज्य नहीं रहा।
युद्ध के हालात में 370 अंतरिम व्यवस्था थी जो की गई थी, यानी कि टेम्प्ररी, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं। तो साफ तौर पर इन के अगर मायने निकाले जाएं तो 370 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, 370 जो केंद्र सरकार ने लागू किया था उसे बरकरार रखने के संकेत। सीजीआई का कहना है केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। युद्ध के हालात में 370 यानी कि धारा 370 जो लगाई गई थी वो अंतरिम व्यवस्था थी, एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर भी दखल नहीं दिया जा सकता। सीजीआई का कहना है तो एक अस्थायी प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जब उसका विलय कर लिया गया था तो एक महत्वपूर्ण खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई, विलय के बाद J&K भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। जो बातें इस समय निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सीजीआई ने कहा कि युद्ध के हालात में आर्टिकल 370 लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन की वैधता यानी उनकी कानूनी मान्यता में दखल नहीं दिया जा सकता, हर फैसले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, हर फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता, राष्ट्रपति को 370 रद्द करने का अधिकार है और विलय के बाद J&K अलग राज्य नहीं रहा, जैसे बाकी के राज्य हैं भारत में वैसे ही J&K भी एक राज्य है। युद्ध के हालात में एक टेम्प्ररी यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे बनाए रखे जाना या इसे हटा देना ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के अधीन आता है और राष्ट्रपति को धारा 370 आर्टिकल 370 रद्द करने का अधिकार है, विधानसभा भंग होने पर भी अधिकार कायम रहेगा। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो साफ तौर पर जिनके अगर इनको डिकोडिंग की जाए या इनके मायने निकाले जाएं तो केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए ये महत्वपूर्ण बातें कही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जैसे दूसरे राज्य हैं वैसे ही राष्ट्रपति को 370 आर्टिकल 370 रद्द करने का पूरा अधिकार है। अगर विधानसभा भंग होती है तब भी अधिकार कायम रहेगा। केंद्र जो भी फैसले लेती है हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। युद्ध के हालात में आर्टिकल 370 की व्यवस्था की गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त का महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान ये प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था जम्मू कश्मीर को लेकर उस पर लगभग मोहर लगाते हुए सीजीआई, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला पढ़ना जज ने शुरू कर दिया है। जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, विधानसभा भंग करने का अधिकार, केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है आर्टिकल 370 को रद्द करने का, ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, एक टेम्प्रेरी व्यवस्था की गई थी जिसे हटा दिया गया। तो एक तरह से केंद्र सरकार की जीत इसे लेकर धारा आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जैसा कि सीजीआई ने कहा कि एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी युद्ध के हालात में और इसे हटाने का राष्ट्रपति के पास पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार है। संविधान पीठ में ही यह सुनवाई हुई थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,
जैसे दूसरे राज्य हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न राज्य है। युद्ध के हालात में अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई थी। तो सीधे तौर पर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में, यानी धारा 370 अब पूरी तरीके से हट चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।